नमस्कार, महाराष्ट्र के पुणे जिले में इस समय मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोरेगांव भीमा आपको दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ गांव में मौजूद हैं, तो यहाँ के भीमा कोरेगांव के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि इस बार किसकी सरकार चाहिए उनको। तो ठीक उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पर एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था और यहाँ पर सबसे बड़ा मराठा और उनमें अंग्रेजों में यहाँ पर युद्ध हुआ था, तो काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्हीं से बातचीत करते हैं जो यहाँ के लोग हैं। इलेक्शन किसकी सरकार आ रही है इस बार? भाजपा की जाएगा भी। भाजपा की आनी चाहिए। आएगा लग रहा आपको? हाँ, लग क्यों रहा? काम किया उन्होंने? किया ना काम? कहीं नहीं किया, किया ना काम उन्होंने। अरे वो महाविकास अघाड़ी वाले तो बोलने कुछ काम ही नहीं किया। अरे सब लोग ऐसे बोलते ना, काम ही उनका ना, ये उसका बोल कर वो इसका बोलता है, ऐसे उनका काम ही इलेक्शन के टाइम। मतलब बीजेपी सरकार में आपका काम हुआ? हाँ, वो अच्छा हुआ, चल रहा है अच्छा, महंगाई हो रहा है लेकिन चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना बीजेपी की सरकार। आपका नाम क्या सर? सांगने आपका नाम क्या है? अविनाश शूले। अब ये बताएं, भीमा कोरेगांव में हम, आप तो युवा हैं, किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार? महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार आएगी फिर से। बीजेपी? हाँ, तो उधर ठाकरे कह रहे हैं हमारी आएगी। नहीं, ठाकरे की नहीं आएगी, बीजेपी की आएगी। ये हिंदुत्ववादी सरकार है, उनकी आएगी। उद्धव ठाकरे बोलते हैं? नहीं, उद्धव ठाकरे की नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी फिर से। वो भी हिंदू हिंदू बात करते रहते हैं उद्धव ठाकरे? नहीं, बीजेपी जैसा हिंदू कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, बीजेपी की सरकार आएगी। देवेंद्र फडणवीस जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। पहले वो आपके मुख्यमंत्री रहे थे, चाहते हैं कि वो फिर बने मुख्यमंत्री? हाँ, फिर से बनेंगे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। तमाम जो युवा आपको सुन रहे हैं महाराष्ट्र के, उनसे क्या कहेंगे आप? इस बार बीजेपी को ही वोट करो, उनको बोल रहे हैं। तो जो योगी जी का बयान आया है कि बटेंगे तो कटेंगे, कल मोदी जी ने भी कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे हिंदू। हाँ, एक रहेंगे तो सेफ ही रहेंगे हिंदू। मोदी अच्छा कह रहे, सही बात बोल रहे। नाम क्या आपका? अजय गायकवाड़ सर। तो भीमा कोरेगांव में आए हम, बताइए किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार महाराष्ट्र में? सर जी, इसके बारे में तो फिलहाल मेरे को भी जानकारी नहीं इधर का। जैसे अभी जो महायुति की सरकार चल रही देवेंद्र फडणवीस जी की, कैसा काम कर रही है? सर काम तो फिलहाल ढंग से नहीं कर रही, हमको राजकारण चेंज चाहिए। अच्छा, किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में पवार साहब की शरद पवार जी की। हाँ, ये तो शरद पवार जी की बना रहे हैं ना अपन, लेकिन आएगा तो ऊपर तो वो आएगा ना फिर। हम बीजेपी सरकार अच्छा है, मोदी भी अच्छा काम कर रहा है। अभी वो एक ला रहा है कोई कायदा नया, कोई कायदा ला रहा है एक सरी का सबको। हाँ, ये सब मिल गया। ये तो बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार आएगी उनके वास्ते से। मोदी जी सही फोड़ा फोड़े के वास्ते से आ रही बीजेपी ने राष्ट्रवादी फोड़ा, शिवसेना फोड़ा। हाँ, वो तो सरकार आएगी ना वैसा, पर अच्छा रहेगा तो पवार साहब की। भाई साहब कह रहे हैं शरद पवार की सरकार आएगी? हाँ, शरद पवार की सरकार आएगी। हाँ, शरद पवार की। क्यों आनी चाहिए शरद पवार की? शरद पवार ये सब हम इंडस्ट्री है, शरद पवार ने बनाया है। अच्छा। हम इंडस्ट्री में काम कर रही। भाई साहब ये इंडस्ट्री बनाई है? सब शरद पवार ने लूटा है और झगड़ा लगा है शरद पवार ने, मालूम है क्या? वो बहन का हिस्सा दो, ये दो, वो करो, किसने किया वो? ये तो बोले इंडस्ट्री लेके आए। इंडस्ट्री लेके आए, जमीन कितना, खेत कितना गया हमारा, कितना खेत गया, कितना पैसा मिला हम लोगों को? मुआवजा तो मिला होगा। क्या मुआवजा मिला? वो खाया ऐसा, बच्चों ने दारू पी के गलाया सब लोग, फिर क्या फायदा हुआ सरकार इसके आके? और शरद पवार तो अभी जाने वाले हैं 2-3 साल में, वो ठूटी टिकने वाला है। अब मोदी टिकेगा तो फायदा होगा ना। अरे वो कायदा मोदी कौन सा तो कायदा ला रहे हैं ना अभी, सब सर सब सरी का। वो कायदा अच्छा के लिए कि नहीं ये बताए? जो इलाज की बात कर रहे हैं मोदी जी ला रहे हैं बुजुर्गों के लिए, सही है कि बेकार है? सही है, मोदी का वो बोल रहा है सही है, पर अपने इंडस्ट्री ने शरद पवार लेके आए ने तेज चाल ना, तेज बोलो ना। ये तो बोले शरद पवार भाव चाहिए, भाव जी शरद पवार, लेकिन मोदी के अच्छे आदमी नहीं क्या? सबसे अच्छा मोदी है, और शिंदे भी अच्छा है, राजद दादा भी अच्छे, तीनों कार्यकर्ते अच्छे हैं। आपको वही चाहिए? वही चाहिए आपको ना। और शिंदे ने कुछ तो दिया क्या? नहीं, हाँ बहनों को कम से कम 7-8 हज़ार दिया क्या? नहीं, हाँ 1.5 हज़ार महीने को चालू किया। किसको मिलता 1.5 हज़ार रुपये? देते तुम हमको देते, लेकिन दिया ना सरकार ने? कौन सो तो, कौन कितना तरी कूटी बांटे गए नहीं फिर? भाई साहब ये कह रहे हैं लाड़की बहना योजना दी है। लाड़की बहन योजना दिया, पर तेल का बाजार कितना बढ़ गई और कितना बाजार इतर वस्तु का बढ़ गई। और वो बोलता है शरद पवार ना, शरद पवार इधर अच्छा है। और मोदी ने 75 साल की उम्र में घर में बैठा था, बैठने वाले आता मोदी खुद नहीं बैठता था, क्या करेगा? आओ। नाम क्या भाऊ? नितिन गायकवाड़। किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? बीजेपी। बीजेपी की।
भाई साहब बगल में बोल रहे हैं शरद पवार की आएगी, बीजेपी की आएगी। अच्छा, काम किया बीजेपी ने? बहुत काम किया है। क्या काम, जरा उन्हें बता दीजिए थोड़ा। अभी आपने ही काम किया है, जब भी आपने मराठी भाषा है ना, सबसे बड़ा बहुत बड़ा काम वो किया है मराठी भाषा का। हाँ, जो ये संस्कृत जो म्यूजिकल लैंग्वेज बनाई है। हाँ, लैंग्वेज भी बनाई, लेकिन मराठी भाषा का जो दर्जा था ना वो मिलना चाहिए था। अच्छा, वो बहुत दिनों बाद मिला है। अच्छा, तो आप खुश हैं बीजेपी के? हाँ, बहुत खुश है। पुण्यातला है, महाराष्ट्रातला है मी। कोणामुळे पोट भरायचा काय प्रश्न आहे? पोट भरायचा काय प्रश्नच नाही आहे। काम कैसा हो रहा आपके कोरेगाव भी? काम कैसा हो रहा एरियाचं काय नसतं, एरिया का कोई बात नाही रहता है। अभी कैसा है बीजेपी, कितना 15 साल हो गए बीजेपी, कमी तो किसी बात की नहीं है ना। अभी सब अच्छा ही चल रहा है, यही चलना चाहिए। अभी कांग्रेस का रहता तो बॉम्ब स्फोट ये हुए हो बहुत हो जाता, लेकिन बीजेपी में एक मम फूट जाते। हाँ, बीजेपी में एक भी ऐसी ना 15 साल में एक भी ऐसी हुई, कोई हुआ ही नहीं है। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। नहीं। तो आप खुश हैं? देखो कांग्रेस आने के बाद देखो क्या होता है। अच्छा, आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम भरत कंबले। किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? सरकार में हमारा ये तुतारी है। अच्छा, हाँ। किसकी, महायुति या महाविकास आघाड़ी? तुतारी शरद पवार की। हाँ, धन्यवाद। उनको वोट करते हैं क्योंकि वो लोगों ने हमको संभाला है अभी तक। अभी भी आगे उसका ही काम है, अभी संभालना है नहीं संभालना है। जो अपने को संभाल रहे उनको तो देखना जरूरी है। उनके तो दो टुकड़े हो गए, एक तरफ अजीत पवार है। टुकड़ा तो होने वाला है मगर उसमें एक ही आने वाला है। अच्छा, कौन आएगा, शरद पवार या अजीत भाव? शरद पवार आएगा। ठीक। आपका नाम क्या सर? नाम क्या, इधर आओ। नाम क्या आपका? पठान। किसकी सरकार आ रही है अभी? क्या बोल सकता, कोई आएगा कोई नहीं। अरे महाविकास आघाड़ी आएगी या महायुति जो चल रही है सरकार? कटके आएगा हमारे इधर, कटके आएगा अजीत दादा का। अजीत दादा? हाँ, अजीत दादा पवार महायुति वाले। अजीत महायुति वाले वो आएगा। क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने बहुत काम किया, खेती को, खेती वाले को बिल माफ कर दिया, किसान का कर्ज दिया। और क्या मांगता, और क्या देने का? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का प्रॉपर काम कर रहे, गरीबों को फुकड़ा दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जो लाड़की बहना योजना चल रही है कैसा काम कर रही है? अच्छे काम कर रही है, अच्छे। जो नहीं जिसको कि नहीं उसको आधार मिल रहा है ना, मरे पर क्या करने का? भाई जान, कांग्रेस वाले तो बोलते बीजेपी मुसलमान विरोधी है। नहीं, हमारे इधर जात भी कुछ नहीं, हम सब सर जो काम करेंगे उसको दे रहे हैं। अच्छा, तो काम कौन कर रहा है अभी? कर रहे, समझ कर रहे काम, किसको लेवल लगा। नाम क्या भाई? मेरा नाम सचिन एनबर है। तो किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? सरकार मालूम नहीं, लेकिन हम माउली आबा कटके का काम करने वाले हैं। अच्छा, तो महायुति की सरकार जो चल रही है अभी कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। नाम क्या भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम मारुति। मारुति जी ये बताइए किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में अभी राष्ट्रवादी घड़ियाल का आने वाला है। अजीत पवार या शरद भाव? अजीत पवार। अजीत पवार कैसा काम कर रहे हैं अजीत पवार जी? हाँ, अजीत पवार अच्छा काम कर रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं उन्होंने अपने भतीजे ने तो गलत कर दिया पार्टी बना के अलग। वो भाई भाई में घर में कुछ कुछ ना कुछ तो लफड़ा रहता ही है। हम तो अजीत दादा का ही काम कर रहे हैं ना। अच्छा, तो तमाम जो NCP के समर्थक हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनको तो बोल रहा है हम लोग कि अजीत दादा का ही काम करो घड़ियाल का। महायुति की सरकार कैसा काम कर रही है? महा का अच्छा काम कर रहे हो? अच्छा काम कर रहे हैं। नाम क्या सर आपका? संदीप शिंदे। संदीप शिंदे जी, किसकी सरकार आनी चाहिए? महायुति की। महायुति की कैसा काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? अच्छा काम कर रहे। आपके भीमा कोरे गाँव में आए हम, क्या क्या विकास हुआ यहाँ? इधर विकास हो गए ना, रोड का, पानी का, अच्छा काम। पहले MLA ने कारखाना बंद किया। अच्छा, जो शुगर का कारखाना? हाँ, शुगर का कारखाना। वो किस गुट के हैं? हाँ, वो किस पक्ष के? राष्ट्रवादी तुतारी शरद पवार के गुट के। उन्होंने मिल ही बंद कर दी? हाँ, मिल बंद कर। वो तो बोलते हम किसान हैं बड़े बड़े। मिल बंद किया गोड़गंगा कारखाना। तो आप चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से कहेंगे कि ये मिल फिर से चालू? अजीत दादा चालू करने वाले। अच्छा, हाँ ठीक। आपका नाम क्या था? विश्वजीत। किसकी सरकार आ रही है?
अभी मायावती की, अजीत दादा पवार की, अजीत दादा पवार की। तो शरद पवार और अजीत दादा पवार कौन सी असली शिवसेना, वो एनसीपी है? अजीत पवार की, अजीत पवार की।